हेलो स्टूडेंट्स टूडे विल बी सॉल्विंग अ प्रॉब्लम ऑफ क्लास टेन मैथ्स फ्रॉम द चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस द क्वेश्चन स्टेट्स दैट द रूट्स ऑफ रूट थ्री एक्सक्स टेन एक्स माइनस एट रूट थ्री टू जीरो आर डैश इस क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है रूट थ्री एक्सक्वायर प्लस टेन एक्स माइनस एट रूट थ्री क्वेश्चन टू जीरो इसके हमको रूट्स निकालने हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है अगर आपको मिडिल टर्म को स्प्लिट करके किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को फैक्टराइज करना आता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं रूट थ्री एक्स स्क्स

अब पहले दो टर्म्स में से रूट थ्री एक्स कॉमन ले लेते हैं तो ये प्लस फोर रूट थ्री माइनस आखिरी दो में से टू कॉमन लेते हैं तो और प्लस 4 रूट 3, तो यहाँ से दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वस टू जीरो और एक्स प्लस फोर रूट थ्रीवस टू जीरो से जो एक्स की पॉसिबल वैल्यूज आएंगी वो टू अपॉन रूट थ्री एंड माइनस फोर रूट थ्री ये दो पॉसिबल वैल्यूज आ जाएंगी यही हमारे इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आ जाएंगे तो लिख सकते हैं टू अपॉन रूट थ्री एंड माइनस फोर रूट थ्री तो इस क्वेश्चन में हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के मिडिल टर्म को स्प्लिट करके और फैक्टराइज कर लिया और इक्वल टू जीरो था तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल इसका मतलब कि इधर रूट थ्री एक्स माइनस टू इक्वस टू जीरो और एक्स प्लस फोर रूट थ्री इक्व टू जीरो तो यहाँ से एक्स की दो पॉसिबल वैल्यूज आ गए टू अपॉन रूट थ्री एंड माइनस फोर रूट थ्री यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब टू अर यूट्यूब चैनल